हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मेरे कारपेंटर चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वह है सेफ्टी रूल। क्या है सेफ्टी रूल? इसमें हम आपको जनरली रूल, सेफ्टी विथ हैंड रूल, सेफ्टी विथ मशीन रूल, सेफ्टी विथ पावर रूल, इन चारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर एक कि हमें जनरल रूल में हम आपको कि हमें खुले कपड़े पहनने चाहिए और मशीन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। खुले कपड़े पहनने का मतलब ये है कि हम चुस्त रहते हैं और मशीन की पूरी जानकारी ये होती है कि मशीन ख़राब होने के बाद भी हम उसे ठीक कर सकते हैं। नंबर तीन की बात करते हैं, पैरों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि मोटे तले के जूते पहनने चाहिए जो कि कील और पेच से हम बच सकें। नंबर चार कि आँखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आँखों का विशेष ध्यान का मतलब ये है कि चश्मा लगाकर हमें काम करना चाहिए जिसके कारण कि कोई भी मिट्टी व धूल या फिर लकड़ी का बुरादा या फिर वो छैनी हथौड़े से हम कई चीज़ें अड़ जाती हैं तो हम उसे तोड़ते हैं, तो उसके लिए हमें चश्मा लगाना चाहिए। नंबर पाँच की बात बताता हूँ कि हमें काम शुरू करते वक्त हमें सभी चीज़ों का विशेष एक बार ध्यान देना चाहिए। मैं आगे आपको बता देता हूँ सेफ्टी विथ हैंड रूल के बारे में। अब सेफ्टी विथ हैंड रूल के बारे में, जब कोई हम टूल यूज करते हैं हाथ वाले जैसे हथौड़ी होते हैं, कई बार उनका बिंडा ढीला होता है तो उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए जिसके कारण वह निकल के किसी के सिर पे लग सकती है, किसी के चोट भी लग सकती है। नंबर दो के बारे में बताता हूँ, पेचकस को कभी ढीले से ना पकड़ें जिसके कारण फिसलते वक्त चोट लग सकती है। ये है हैंड रूल के बारे में। और कभी पेचकस और फाइल का प्रयोग छैनी की जगह ना करें। अब मैं आपको बता देता हूँ सेफ्टी विथ मशीन के बारे में, मतलब ये मशीन में जो हम काम करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही उसमें तेल वह ग्रीस साथ के साथ देते रहें जिसके कारण मशीन रेगुलर चलती रहे, और मशीन के ऊपर गार्ड होना आवश्यक जरूरी है। दोस्तों सेफ्टी विथ पावर, नंबर एक मैं आपको बता देता हूँ नंगी तारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। और नंबर दो कि हमें जो मशीन होती है उसका स्विच काफ़ी बार ख़राब हो जाता है, हमें वह ख़राब स्विच को हमें साथ के साथ चेंज करना चाहिए और बढ़िया स्विच लगवाना चाहिए। और हमें कभी भी मशीन ख़राब होने के बाद हमें खुद को ठीक नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजली वाले को बुलाया जाना चाहिए मशीन के कारीगर को। अगर जैसे आप मान के चलो जैसे कि हम मशीन लेके आए और हमने उसे चलाना शुरू कर दिया, हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, मशीन वाले को बुला के, बिजली वाले को बुला के उसकी सलाह से हमें इसको शुरू करना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए। अगर आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ आपने पूछना हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और